तो गाइस वेलकम टू लाइफ अनकट विद तनीषा। सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर नॉट टेकिंग दिस यूट्यूब सो सीरियसली। एंड मेरे को स्टार्टिंग में बस ऐसा लगा था कि यार बनाते हैं चैनल और बस हो जाता है। नो गाइस आई वाज रॉन्ग एंड इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जब मैंने मेरे को ये लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और एज आई एम सो लेज़ी तो मैंने इसको बीच में ही छोड़ दिया। बट अब मुझे लगता है कि मुझे अपना चैनल कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज ऑफ माय हैप्पीनेस। इसीलिए आज का मैं व्लॉग आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि होने वाला है एक ट्रैवल व्लॉग। और ये एक फैमिली ट्रैवलिंग है तो हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। चलिए आप सब लोग मेरे साथ वृंदावन। हम गाइस निकल चुके हैं अपनी गाड़ी की तरफ। चलो ये अब हम आ गए हैं बिल्कुल अपने मेन रोड पे। और ये रही हमारी गाड़ी, अब हम इसमें जाएंगे। सो गाइस हम निकल चुके हैं और हमने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर ली है। हम पहुंच चुके हैं वृंदावन में। अब हम रुके हैं एक छोटा सा टी ब्रेक के लिए और ये स्टार्टिंग में ही पड़ जाते हैं। बहुत सारे एक साथ ढाबे होते हैं तो उनमें से एक ये ढाबा है जहाँ पे हम लोग रुक गए हैं अब अपनी चाय वगैरह पीने के लिए। अब टी ब्रेक के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम डायरेक्टली पहले मंदिर के दर्शन कर लें, फिर उसके बाद हमें एक कोई यहाँ पे वो हैं महाराज जी उनके उसमें भी जाना है आश्रम में, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी उनको बहुत ज़्यादा मानती हैं और उनकी भागवत वगैरह सुनती हैं तो वो इस पर्पस से भी आई हुई यहाँ पे, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। ओके गाइस तो टी ब्रेक करने के बाद अब हम आ गए हैं वृंदावन के बिल्कुल अंदर जहाँ से चार कोस की परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो अब हम अपनी चार कोस की परिक्रमा स्टार्ट करने वाले हैं। मंदिर के दर्शन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं अभी क्योंकि 5:30 बजे के करीब कपाट खुलते हैं, तो तब तक हमने सोचा कि हम लोग अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर लें। चलिए गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब ऐसे शूट कर पाऊँगी। व्हाट इफ़ कि मेरे हाथ में से मेरा फ़ोन ही छीन के ले गया। तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाऊंगी, मैं पूरा कंटिन्यू नहीं करूंगी। थोड़ी सी दूर तक तो लगा लिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थकने वाली हूँ बहुत जल्दी, लेकिन मैं रिक्शा बिल्कुल नहीं लूँगी। एंड ये चार कोस की है, एक कोस 3 किलोमीटर का होता है तो 3, 4 या 12 होता है, तो ये 12 कोस की है, सॉरी आई मीन 3, 4 कोस की है और 12 किलोमीटर की है। मुझे गाइस यहाँ के सराउंडिंग्स देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली है, पुराने पुराने तरह के घर बने हुए हैं, सबसे छोटे छोटे से मतलब बिल्डिंग्स नहीं खड़ी हैं, सिर्फ छोटे छोटे से घर हैं पुराने ज़माने के। हे गाइस
इस कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमने दो मंदिर कवर अप किए हैं आज और चार दोस्त की ब्रकम्मा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग में बताया था कि हमें बड़ी मम्मी के कोई यहाँ पे मतलब कौशिक जी महाराज हैं, वो जो भागवत करते हैं, ये रहे। यस, तो अब इनका आज बर्थडे है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। अब देखते हैं, वहाँ से आने के बाद मैं सिर्फ सोने वाली हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं आज को शूट कर पाई तो मैं आप लोगों के लिए पक्का प्रेजेंट करूँगी, और अगर मैं शूट नहीं कर पाई तो मैं आपको डायरेक्टली कल सुबह मिलूँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इट्स 8 इन द मॉर्निंग, और रात को जब हम लोग रूम में आए थे 12 बज रहे थे, और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं व्लॉग शूट कर ही नहीं पाई। फिर आके मैं फ्रेश फ्रेश होकर सो गई। ये प्लान है कि सब लोग यमुना जी पर नहाने के लिए बोल रहे हैं, बट मैं यहीं पर नहा कर जाऊँगी। गाइस, तो मैं आ गई हूँ यमुना जी पर, और अभी मैं फ़िलहाल बोट में हूँ। हम बोटिंग करेंगे जो कि इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक जाएगी, और बोटिंग का प्राइस है 20 रुपीज़ पर पर्सन। सो वी हैव डन विद द यमुना जी दर्शन, बोटिंग एंड स्कॉन टेम्पल के दर्शन, और अभी मैं यहाँ पर हूँ जो मैंने आपको बताया था कि हम उनके बड़ी मम्मी के जो महाराज जी हैं जिनकी वो भागवत सुनती हैं, हम उनके यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब आप बोलोगे कि यार ये बार बार यही बोले जा रही है कि हम वहाँ पर हैं, हम उनके बर्थडे में गए, हमने ये किया वो किया। तो गाइस देखो, पर्पस तो यही था ना। अब आप लोग बोलोगे कि कैसी चीज़ों में ट्रस्ट करती है, कैसी चीज़ों में फेथ करती है। तो मेरा मानना ये है कि यार देखो, किताबों में सिर्फ उतनी नॉलेज होती है जिससे तुम एग्ज़ाम पास कर सकते हो, ठीक है। जो वेदास ग्रंथ्स में लिखा होता है हमारे, वो हमें यही लोग तो बताते हैं। अब किसी की मान्यता किसी चीज़ में होती है और किसी की किसी चीज़ में होती है, तो जब बड़ी मम्मी मानती हैं तो हम उनको बिल्कुल मना नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उनकी खुशी है उस चीज़ में, उनको बहुत हैप्पीनेस मिलती है इन सब चीज़ों को सुनकर और अच्छी अच्छी नॉलेज गेन कर। और ये बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने कल सुना, मैंने उनको पूरा 1 घंटे बैठकर सुना था, और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लगा जिस तरीके से वो हमें बातें बताते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ऑल वॉज सो गुड। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यही जो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, कि हम आप अगर किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ उसको डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। चलिए, अब हम यहाँ पे कथा हो रही थी छोटी सी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से लंच करेंगे। तो आई हैव रीच होम एंड माई ट्रिप वॉज अमेजिंग। वृंदावन जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड वहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। नहीं करना, चलते रहो, चैंट करते रहो, राधे राधे, सब अपने आप फ्लो में हो जाता है। एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। नाउ गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट अगर यू थिंक दैट मैं कर सकती हूँ, सी गाइज, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, और मुझे पता है कि बहुत सारी कमियां हैं, बट मैं उन्हें कवर अप भी कर सकती हूँ, राइट? शेयर योर सम ऑफ द लव ऑन माय चैनल। आई जस्ट वांट टू से दिस मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।